शाहरुख खान की पठान इन दिनों सिनेमाघर में चांदी कूट रही है। एक हफ्ते से पहले इस फिल्म ने देश भर में 300 का आंकड़ा पार कर लिया था, तो वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ रुपए हो चुका है। हर तरफ सिर्फ पठान ही पठान छाया हुआ है। इस फिल्म के कलेक्शन ने बाहुबली 2 और KGF चैप्टर 2 को पछाड़ दिया है। शाहरुख खान के फैंस में उनकी फिल्म की दीवानगी इस कदर है कि टिकट ना मिलने पर इसके लिए मुंहमांगी कीमत देने को वो तैयार बैठे हैं। वहीं कोई फैन बिहार से बंगाल पैदल फिल्म देखने के लिए पहुंच रहा है। पठान की खुमारी के बीच बॉयकॉट गैंग भले ही ठंडे बस्ते में चला गया हो, लेकिन एक्ट्रेस कंगना रनावत की आवाज दहाड़ रही है। कंगना रनावत को पंगा क्वीन कहा जाता है, क्योंकि अभिनेत्री का इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों से पंगा हो चुका है। वहीं इस बार कंगना रनावत ने उर्फी जावेद से पंगा ले लिया है। दरअसल कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद उर्फी ने उस पर पलटवार किया। फिल्म प्रोड्यूसर प्रिया गुप्ता ने थिएटर के अंदर का एक वीडियो ट्वीट किया था। वीडियो में झूमे जो पठान गाना बज रहा है और ऑडियंस फोन की लाइट को ऑन करके उस पर जमकर डांस कर रही है। प्रिया ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को पठान फिल्म की जबरदस्त सफलता के लिए बधाई। इससे पहले तो ये साबित होता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही SRK को बराबर प्यार करते हैं। दूसरा, बॉयकॉट विवाद ने फिल्म को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाया है। तीसरा ये कि एरोटिका और अच्छा म्यूजिक भी काम आया। चौथा ये कि भारत सुपर सेक्युलर है। प्रिया के इस ट्वीट पर कंगना रनावत ने पलटवार किया है। कंगना रनावत ने प्रिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, बहुत अच्छा एनालिसिस है, इस देश ने सिर्फ और सिर्फ खान को ही प्यार किया है और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ खान को ही करते हैं। साथ ही मुस्लिम एक्ट्रेसेस को लेकर जुनून सवार है, इसलिए भारत पर नफरत और फांसीवाद का आरोप लगाना बहुत गलत है। दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। अब कंगना के इस ट्वीट पर उर्फी जावेद भी कूद पड़ी। उर्फी जावेद ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, हे ईश्वर, ये क्या बंटवारा है। मुस्लिम एक्टर्स, हिंदू एक्टर्स, कला को धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाता, यहाँ सिर्फ एक्टर्स हैं। अब उर्फी के इस ट्वीट के बाद कंगना कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने उर्फी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, हाँ मेरी प्यारी उर्फी, ये एक आदर्श दुनिया होगी, लेकिन यह तो तब भी संभव नहीं है जब तक हमारे पास सम्मान नागरिक संहिता नहीं है। जब तक देश संविधान में बटेगा नहीं, तब तक ये विभाजित रहेगा। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साल 2024 के मैनिफेस्टो में हम सभी सम्मान नागरिक संहिता की मांग करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कंगना और उर्फी के इस टक्कर के बाद कुछ लोग कंगना की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उर्फी का साथ दे रहे हैं।